नमस्कार, तहलका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, ये मानवता जब हुई शर्मसार। जी बताते चले कि घोसी कस्बे का मामला है, जहाँ पे एक अस्पताल, एक निजी अस्पताल से एक बच्ची जो पेशेंट थी उसे भगा दिया गया। बताते चले कि वो पेशेंट कई दिनों से भर्ती थी, लेकिन उसे घर वालों ने बुलाकर और पूरे परिजनों और उस मरीज को अस्पताल से भगा दिया गया। इसकी जानकारी जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी जायजा लिया और उस चिकित्सक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की कि क्यों, आखिर क्यों भगाया गया। हालांकि उस बच्ची को फिर इलाज के लिए मऊ लाया गया, मऊ भी इलाज नहीं हुई तो बनारस के लिए रेफर कर दिया गया। इस तरह के मानवता का किस तरह से हनन हुआ, आप खुद देखें कि जहाँ पर रोगी पूरी तरह से लॉकडाउन में किस तरह से परेशान होते हैं और इलाज के लिए वो पेशेंट और मरीज़ आई थी अस्पताल में, निजी अस्पताल में घोसी में, जहाँ उसे कुछ दिन के बाद उसे भगा दिया गया और वो बेचारी विवश हो गई कि आखिर जाएँ तो जाएँ कहाँ, कहाँ लॉकडाउन में जाएँ, जिसको लेकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुई। इसकी गुहार पुलिस को लगाई और पुलिस ने हरकत में आकर उस चिकित्सक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। जब मानवता हुई शर्मसार, जी हाँ, पूरा वाक्या है मऊ के घोसी इलाके का, जहाँ पे ये हम वीडियो दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ये एक महिला एक निजी अस्पताल में जाती है, कई दिनों इलाज के बाद उस बच्चे को बाहर कर दिया जाता है, यहाँ की वहाँ खदेड़ दिया जाता है और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है कि यहाँ से जाओ। लॉकडाउन में ये महिला कहाँ जाए अपने मरीज और इस बच्चे को लेकर, जिसको लेकर अपने पुलिस को ये गुहार लगाई या पुलिस मौके पर पहुँच कर डॉक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और उस महिला को और उस बच्चे को मऊ अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है और वहाँ से भी बना न स्थिति ठीक होने पर बनारस भेजने की भी व्यवस्था की जा रही है। पूरा वाक्य दिखा रहा है मऊ के घोसी इलाके का, जहाँ पे यह महिला, पीड़ित महिला, किस तरह से पुलिस के यहाँ गुहार लगाने पहुँच गई है घोसी कोतवाली में। बताते चले कि एक निजी अस्पताल में यह महिला अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए गई थी और इलाज भी हो रहा था, मगर इस लॉकडाउन में उसे अस्पताल से भगा दिया गया और अस्पताल से भागने के बाद वो कहाँ जाएगी, किस ओर जाएगी, अपनी गुहार लेकर पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए वो डॉक्टर को बुलाकर पूछताछ कर रही है। ये पूरा वाकया है मऊ के घोसी इलाके का, जहाँ पर ये पीड़िता किस तरह से बिलख रही है और किस तरह से मानवता का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुलिस ने बकायदे एम्बुलेंस बुलाकर मऊ के लिए भेज दिया है। ये देखिए पूरी हम वीडियो दिखा रहे हैं किस तरह से घोसी कोतवाली ने पुलिस की नेक दरिया दिली हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये घोसी पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाया है और एम्बुलेंस में उसे बकायदे बैठा कर मऊ के लिए रवाना कर दिया गया है, जहाँ पर ये अपने बच्चे का इलाज करा सकेंगी। ये देखिए किस तरह से ये महिला एम्बुलेंस में बैठेंगी और एम्बुलेंस में जाएंगी, अपनी गुहार पुलिस को लगाई। ये महिला जब पीड़ित महिला का कोई नहीं सुना तो ये अपनी गुहार पुलिस को लगाई, लेकिन पुलिस ने अपनी दरिया दिली दिखाते हुए डॉक्टर उस चिकित्सक को बुलाकर पूछताछ कर रही है, तो वहीं एम्बुलेंस बुलाकर बकायदे उस महिला को मऊ के लिए भेजा गया है, जहाँ पर किसी निजी अस्पताल में अपने बच्चे का इलाज करा सके। बता जाता है कि मऊ से भी उसको रेफर कर दिया गया है, वो बनारस के लिए रेफर कर दिया गया है। किस तरह से ये महिला अपने बच्चे को, बीमार बच्चे को लेकर तड़प रही है, परेशान है। क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ बच्चे को? पहले 3 बार दस्त हुआ, दस्त होने के बाद राधिका वाले चाइल्ड केयर में लेकर गए इसको, तो बोले कि इसको बोतल चढ़ा दोगे तो ठीक हो जाएगा। हम कहे तब चढ़ा दीजिए, तो बड़ा बड़ा वाला बोतल इसको एक एक घंटा में चढ़ा दिए, तब से इसका पूरा पेट सूझने लगा। हम कहे कि पेट सूझ रहा, नहीं पेट सही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तब जब नहीं हुआ तब कहे अब इसको ले जाओ वहाँ मऊ में, मऊ ले गए, कहे कोई डॉक्टर इसको नहीं ले रहे हैं। फिर उसके बाद कहाँ आई है? उसके बाद तब हम थाना में लेकर आए, कहें ले चलो इसको आप दिखा दें, बोल रहे हैं कि लेकर जाओ। तो थाने में इलाज होता है क्या? तो वहाँ पर लेकर गए घोसी, तो वो भी लेकर गए तो यहाँ सरकारी वाले में, ये भी रेफर कर दिए मऊ के लिए, तो मऊ के लेकर गए वहाँ पर सरकारी में, तो वो भी बोले कि राहुल में ले जाओ, तो राहुल वाला भी फिर वहाँ फातिमा में लेकर गए, वो भी बोले कि साय में ले जाओ, तो साय में भी लेकर गए, तो वो बोले कि कोई और मतलब कई डॉक्टर हम दिखाएं, कहीं कोई इसका भर्ती नहीं ले रहे हैं। तो पुलिस वाले मदद किए हैं आपको? हाँ, हमारे भी लोग मदद किए हैं। क्या किए हैं? बोल रहे हैं इसको लेकर जाओ कहीं और मदद, बनारस भेज रहे हैं। हाँ। क्या नाम है? इंदु नाम। किस गांव पर रहने वाले? मारूज। ठीक। का नाम है जो भगाया आपको अस्पताल का? राधिका, चाइल्ड केयर।